अल्लाह के अल्लाह मैंने अच्छा बनाया है सब कुछ, काम करवाए ना कि वो किसी के आगे हाथ करे। अल्लाह में जिंदा रखा होगा ना तो इतना ही बहुत है। मैं नॉर्मल लोग से डिफरेंट हूँ थोड़ा। ज़्यादा काम काम मेरी हॉबी सर, बेसिक मेरे काम हॉबी सर। आप इंडिपेंडेंट होंगे तो कामयाब है, नहीं तो आप अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते। नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सायरा सैयद और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रही हूँ जो है तो छोटे मगर बड़ा धमाका है। कैसे इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा उमर, हमें बताइएगा कि आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। अच्छा, तो मतलब कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, कब से स्टार्ट की हुई है? मुझे 10 ईयर्स हो गए हैं। स्टूडियो में जॉब करता हूँ मैं। स्टूडियो में? तो उसमें बेसिक करते क्या हो आप? ग्राफिक डिज़ाइन किस चीज़ की? वेडिंग एल्बम्स होती है ना, उसकी एडिटिंग, फैशन की, लाइक ड्रेसेस की। अच्छा। उसकी सारी एडिटिंग उसकी करनी होती है मैंने सिस्टम पे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कभी किसी ने आपका दिल दुखाया हो? क्योंकि अब तो ये आम सी बात है, हर कोई एक दूसरे का दिल दुखाता है, तो आपका कभी किसी ने दिल दुखाया? हाँ नहीं, दिल दुखाया तो वो ये होता ना कि जैसे शुक्र अल्लाह के अल्लाह मैंने अच्छा बनाया है सब कुछ ठीक है, लेकिन ये है ना कि एक थोड़ा डिफरेंट है, मैं नॉर्मल लोग से डिफरेंट हूँ थोड़ा सा, तो इसलिए कुछ लोग अच्छा देते हैं, कुछ लोग नेगेटिव देते हैं, तो इसलिए ना वो थोड़ा सा कभी कभार होता है फील कि कोई कमेंट ऐसे कोई कर देता है कि वो थोड़ा सा फील अच्छा नहीं होता, बाकी शुक्र अल्लाह का कि दिल पे नहीं लेते। उस बंदे को जवाब देके घर तक पहुंचा कर नहीं, ऐसा नहीं, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, उसको शायद इतनी सेंस है जितना उसको वो पता है उतना वो बोल लेते हैं। अच्छा चलिए मुझे बताएं, हर किसी का ना उमूमन उल्टा नाम जरूर होता है घरों में, हमारा भी है, कोई प्यार में होता है कोई मजाक में होता है, तो आपकी फैमिली ने कोई आपको उल्टा नाम ऐसा रखा हो प्यार में? नहीं, मुझे सारी उम्र ही कहते हैं। सारी उम्र कहते हैं? अच्छा, अल्लाह से कभी कोई शिकवा हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने इतना सब कुछ दिया है, सब कुछ, अगर सब कुछ नॉर्मल इंसान की तरह कर सकते हैं तो क्यों शिकवा करना, अगर सांस चलिए सब कुछ कर सकते हैं तो ज़रूरत ही नहीं है कि किस चीज़ का शिकवा करें, खाना पीना खा लेते हैं यही काफ़ी है, दिल में जिंदा रखा होगा ना तो इतना ही बहुत है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात आपने की, ये मतलब काफ़ी लोगों के लिए एक मोटिवेशन है, मेरे खुद के लिए भी, कि वाकई जब अल्लाह ने हमें चलता फिरता बनाया तो फिर बेशक बहुत अच्छी बात। हुकूमत के लिए कोई पैगाम आप देना चाहेंगे? जो डिसेबल लोग हैं ना, जिनको ज़रूरत है, नीड है, उनको चाहिए कोई हेल्प करने वाला हो, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको कुछ ऐसा कोई काम करवाएं ना कि वो किसी के आगे हाथ करें, वो उनको कुछ ऐसा करके दें कि वो सुकून से अपना वो इंडिपेंडेंट हो सकें, ना कि वो किसी को कहें कि यार मुझे इतने पैसे दे दो या मुझे यहाँ से यहाँ कर दो, वो अपना कर सकें सारा कुछ, ये इसके ऊपर थोड़ा सा होना चाहिए कि उनको बेनिफिट चाहिए। हाँ, क्योंकि जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, बिल्कुल उनको चाहिए, जॉब लेने में बड़ा मसला होता है। बिल्कुल, वो उनके लिए होना चाहिए कुछ ना कुछ, ये है कि अगर हुकूमत उसके लिए कुछ करे तो गवर्नमेंट वो ज़्यादा बेहतर है। कभी लोगों ने या किसी ने आपको डीमोटिवेट किया और आप दिल बर्दाश्त हो गए? काफ़ी दफ़ा होता है ऐसा कि कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि बंदे को एक्सेप्ट ही नहीं करते उसे कि वो मुझे ये बात करेगा, या होता है ना कि इंसान है ना वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कह देता है, बाद में होता है रिलाइज कि यार मैंने गलत कह दिया। अच्छा, इन सब बातों को साइड पे करते हैं, आप मुझे बताएं कि आपको आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? मेरी हॉबीज़ अभी तो ज़्यादा काम मेरी हॉबीज़ है, बेसिक मेरे काम हॉबीज़ हैं, हॉबीज़ काम ही बस। हाँ, ज़्यादा इसके अलावा कोई स्पेयर एक्टिविटी नहीं करते? हाँ, आउटिंग मुझे पसंद है। आउटिंग करना? हाँ। कहाँ घूमना फिरना पसंद है? फ्रेंड्स के साथ कहीं पे भी, मतलब गैदरिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, काफ़ी फ्रेंड्स हैं मेरे माशाल्लाह, और सब हम कभी भी किसी ने भी ये नहीं सोचा कि मतलब इस तरह के हम नॉर्मल हैं तो हम इसको कहाँ, लेकिन नहीं,
यहाँ तक कहीं पे भी कहीं पे हो सारे मेरे साथ होते हैं। कोई ऐसा चीज शेयर जो दिल को छू गया हो? नहीं, मुझे याद भी नहीं होते और ना सुने मैंने बड़े हैं तो, लेकिन नहीं याद नहीं है। आपका बचपन कैसा गुजरा है? मेरा बचपन, अब मेरा बचपन ज्यादातर मुश्किल में गुजरा है। आपके बहन भाई हैं कोई? जी। कितने? दो, एक बहन एक भाई। अच्छा, तो उनके साथ हंसी मजाक खेलना ये वो सारा क्या सीन हुआ बचपन में? नहीं, उनके साथ तो अल्लाह का शुक्र अभी तक बहुत अच्छा गुजरा है। कभी मतलब नॉर्मली बहुत अच्छा गुजरता है। तो अभी तक आप लोग मतलब साथ हो? कभी ये नहीं हुआ कि मतलब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो और एक दूसरे को टाइम नहीं देना इस तरह का कुछ? नहीं, जब जिसकी जो मसरूफियात है वो, उसके अलावा जब फैमिली टाइम होता है फिर सब साथ होते हैं। अच्छा, मुझे बताया, हर किसी को कोई ना कोई पॉलिटिशियन सेलिब्रिटी पसंद होता है, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? आयशा खान। अच्छा, और आखिर में आप कोई आवाम को पैगाम देना चाहते हो? मेरा आवाम के लिए यही पैगाम है, मतलब अगर अल्लाह मियां ने आपको बिल्कुल ठीक बनाया ना, तो आपको उसका शुक्र अदा करके अपनी मेहनत से कमाना चाहिए, ना कि किसी के आगे हाथ करके कि भी मुझे चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आप इंडिपेंडेंट होंगे तो कामयाब है, नहीं तो आप अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते। बेशक नाज़रीन, इसी खूबसूरत पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर आपको हमारा इंटरव्यू पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन एज़ वेल। अल्लाह हाफ़िज़।